जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज और आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आज का गुड लक। आज के गुड लक में हम आपको राशियों की जानकारी देंगे, साथ में बताएंगे गुड लक टिप। और आज के महा उपाय में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको आत्मिक शांति कैसे मिले और कैसे आपके रोगों का निवारण हो सके, रोग आपसे कोसों दूर चले जाए। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपका ही अपना खास कार्यक्रम आज का गुड लक। आपकी कुंडली में कोई रोग आपको सदा तो नहीं रहा, कहीं आप किसी रोग से पीड़ित तो नहीं, आपके परिवार में कोई रोग से पीड़ित तो नहीं, क्या है इसका निवारण, किस तरीके से इसका उपचार कर लिया जाए, क्या समय है सटीक है इसके उपचार के लिए, क्या योग की स्थिति कहती है, तमाम जानकारी आपको मिल सकती है। अपनी डिटेल बताएं, टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर एक कॉल लगाएं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं आज का पंचांग क्या है। 16 जुलाई 2018 दिन आज भोले बाबा का सोमवार का दिन है। आज के बाद करेंगे मघा नक्षत्र है, ये पितरों को समर्पित है। आज की बात करते हैं तिथि की, तो चतुर्थी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष यानी कि नवरात्रों का चौथा दिन, गुप्त नवरात्रों का व्याघात योग है। आज चंद्रमा का भ्रमण करेंगे सिंह राशि में, राहु काल का समय रहेगा 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। बात कर लेते हैं गोचर में आपकी राशियों की। पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए आज गोचर की स्थिति कहती है। आज धन और वित्त की स्थिति मजबूत रहेगी, यानी कि आज आपका समझ लीजिए फाइनेंस मामला बढ़िया रहेगा तथा गरीबों और रिश्तेदारों को थोड़ी सी सहायता मिल सकती है। यहाँ पर क्या है, रियल इस्टेट में भी आए आपकी देखने को मिल सकती है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, वो है लाल और 21 नंबर आपको लक परसेंटेज आज आपकी बढ़ा सकता है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आपको बहुत ज्यादा फाइनेंस की चिंताएं हैं, उसको आप सकता नहीं है अब आपको चिंता करने की, आप उन चिंताओं को छोड़ दीजिए क्योंकि विभिन्न प्रकार के स्रोत तो आपके पास आ सकते हैं, मन आप शांत रखो। 9 नंबर आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। आज व्यवसायियों के लिए अच्छा दिन है, आपकी यात्रा में भी इजाफा हो सकता है, अगर आप यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए इजाफे का सौदा रहेगा। आज हरा रंग आपके लिए बहुत शुभ है, 12 नंबर आपको लक परसेंटेज आपकी बढ़ा सकता है। बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कि कर्क राशि। भाई चंद्रमा की राशि है, जीवन की चुनौतियों का सामना निडरता से करेंगे, अच्छी बात है आपके लिए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात लाभप्रद रही, इससे आपको सफलता सिद्ध होगी। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, गुलाबी 52 का नंबर आपके लिए लक परसेंटेज आपकी आज बढ़ाकर रखेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। अधिकारी वर्ग से मधुर संबंध रहेंगे, अच्छा घर परिवार का वातावरण भी सुखमय रहेगा, आज का दिन आपके लिए अच्छा व्यतीत होने वाला है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं लाल और 38 नंबर लकी आज। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। भाई कन्या राशि वालों के लिए व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा, ऐशो आराम पर खर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा वाहन के रखरखाव पर भी खर्च कर सकते हैं, यानी कि आज लग्जरी पर खर्च होने के योग दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, वो है सी ग्रीन और 6 नंबर आपको लक परसेंटेज आपकी बहुत हाई करेगा। बहुत देर से हमारे अतिथिगण यानी कॉलर प्रतीक्षा करते हैं, आज के हमारे पहले कॉलर हमारे साथ कौन जुड़ने वाले हैं, शंकर जी, नाम भी आपका शंकर जी, आज भोले बाबा का दिन है। शंकर जी बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया, बताएं डिटेल बताएं फिर प्रश्न करें। गुरु जी मेरा ये एक बार होता है और मुझे अचानक घबराहट सा होता है और सिर पे फड़क सा और कान में आवाज आने लग गया और हाथ साफ कतर हो जाता है, ठीक हो? आपके पास डिटेल है अपना? डिटेल तो नहीं है, उम्र का तो पता है कि 42 साल उम्र हो गई मेरा। और क्या क्या शिकायत आपको ज्यादा रहती है? एक तो दांत बाहर आ जाता है, दांत जवन
और सांप का तरह हाथ हो जाता है, सिर फड़कता है और कान में आवाजें आने लग जाए। ये सब वात रोग की शिकायत है जो आपने बताए, ये वात के लक्षण हैं। जब व्यक्ति को वात रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तभी शिकायत होती है। भैया एक काम बिल्कुल शुरू कर दो, संध्या काल में सूरज अस्त खाना बंद, ये ध्यान रख लो, नहीं तो जाने वाला नहीं है। लाख औषधि करो, लाख उपचार करो, ये जाएगा नहीं। शाम को फलहार लिया करो, बस एक तो ये भूल मत, हमने बता दिया। और चिड़िया की तरह पानी पियो, पानी पीना है तो चिड़िया की तरह पानी पियो। चिड़िया कैसे पानी पीती है उसको देखो, पानी पीते हुए एक एक सिप करके पानी पियोगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा उपाय आपको बता देते हैं, बहुत सरल उपाय इसके लिए। गुप्त नवरात्र के दिन चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रों के दिन में एक उपाय बता देते हैं आपको। नारियल लो, नारियल को भोले बाबा पे चढ़ाओ और नियम बना लो कि नारियल का पानी पीना है। बस पी के देखो नारियल का पानी एक बार, बहुत लाभ करता है, कर लो। इस रोगों में तो बहुत फायदा करेगा। जय श्री कृष्ण। प्रीति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, हम अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहते हैं। पंडित जी हमारे इस टाइम बहुत परेशान कर रहे हैं, कर्जे इसमें डूबे रहते हैं इस टाइम, और उनकी जन्म तिथि क्या है आपकी? उनसे पूछना पड़ेगा, आपको याद नहीं रखते हस्बैंड की? 30/9/85 हमारे हस्बैंड। 30/9/85 समय और बताएं? समय इतवार संडे का दिन है, सुबह 8 बजे का समय बताएं। सुबह 8 बजे टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। 6 बजे का? 6 बजे सुबह का शाम का? 6 बजे का है। 6 बजे सुबह का शाम का? सुबह का। क्या जानकारी चाहते हो, कहाँ का जन्म है ये बता दो। ये लखनऊ का जन्म है इनका जी। क्या जानकारी चाहते हो? इस सर पंडित जी ये जानकारी चाहते हैं, इस टाइम हम लोग बहुत पैसे से बहुत परेशान चल रहे हैं, कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। क्या काम करते हैं ये अभी? हमारे यहाँ मूर्ति बनती है दीपावली की। मूर्ति बनते हैं? किसकी मूर्ति बनाते हैं? लक्ष्मी गणेश की। अरे वाह, लक्ष्मी गणेश की पोशाक वाली बनाते हैं? हाँ जी। अच्छा, पोशाक वाली बनाते हैं। आपसे वो कितने की बिकती है आगे जाके? हर तरीके की बिकती है पंडित जी। आपसे व्यापारी कितने की लेता है? ऐसी 200, 300, 400 ऐसी तक की बिकती है। बाजार में तो वो कई हजार रुपए की मिलती है पोशाक वाली मूर्ति। कमाल है। हाँ, देखो आपको उतना मेहनताना नहीं मिलता। पंडित जी बड़े साइज होते वो 1000 रुपए की बिकती है। वो तो कई हजार की बिकती है, हम दिवाली पे खरीदते हैं तो हमें पता है। अब ये सभी दर्शकों को ही पता लग रहा है, कितने लोग ऑन एयर सुन रहे होंगे। आपको उतना मेहनताना नहीं मिलता जबकि व्यापारियों को आपको ले देना चाहिए। इसीलिए जो कारीगर है उसकी हालत की माली ठीक नहीं है। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, हम आपको उपाय ही बता सकते हैं इसमें। वो हम प्रयास करते हैं ईश्वर से कामना कि आपको भगवान के आप कला बनाते हैं भगवान की, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो। सूर्य बुध के साथ इनकी कुंडली में है, शुक्र यहाँ पर युति बनी है, मंगल के साथ द्वादश भाव में, महासज चल रही है इस समय, चल रही है इनकी कुंडली में शुक्र की। बिल्कुल ये दिवाली आपकी बहुत अच्छी होगी। उपाय बताते हैं, मूर्ति बनाते समय मूर्ति के अंदर एक गंगा जल की केन ले आओ, 10 बूंदे डाल दो, बस 10 बूंदे गंगा जल की डाल दो। पीली सरसों ले आओ, पूरब की तरफ, दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, आकाश में और धरती में, यह हरेक एकाशी को छोड़ दिया करो। आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप भगवान के कार्य में लिप्त हैं, इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। हम बहुत खुश हुए इस काम से। जय श्री कृष्ण। मोहित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते पंडित जी, कल्याण हो जाए आपका। पंडित जी मुझे ये पूछना था, मैंने अपने भाई के लिए पूछा था पिछले हफ्ते आपसे जी, तब आपने बताया था कि सूर्य देवता को अर्घ्य देना है जी, और चंद्रमा निकले तो छोटी कन्या को पैसे और प्रसाद देना है जी। और मैं ना महाराष्ट्र में रहता हूँ तो यहाँ पे ना बारिश के कारण ना सूरज दिखता है ना चांद दिखता है, क्या करें फिर? कोई बात नहीं, देखिए इसका मतलब होता है तात्पर्य सूरज दिखते हैं, सूर्य का प्रकाश ही है जो हमें देखता है दिखाता है। सूर्य नारायण जिस दिशा में निकलते हैं उस दिशा में भी आप जल देंगे, वो बादलों के पीछे हैं सूरज, मगर सूर्य नारायण हैं। जब आप प्लेन में जाते हैं तो उसके बाद वो सूर्य दिखता है ना, बादलों के नीचे तो धरती दिखाई देती है, ऐसे हम बादलों के पीछे तो सूर्य नारायण है, उनका ही प्रकाश है वो। बिल्कुल परेशान मत होइए, सूर्य नारायण को जल दीजिए, जो हमने उपाय बताया उसको नियमित रूप से श्रद्धा विश्वास से कीजिए। इसीलिए तो कहा गया मनसा वाचा और कर्म, तो
कर्मणा जो है ना, वो कर्म यही है कि आप श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो आपकी सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर है हमारे साथ, रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजनी, सुन पा रहे हैं मैं आप? लगता है रजनी जी से हमारा संपर्क नहीं हुआ, उनके इलाके में लगता है बारिश हो रही होगी। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, मैं, नमस्ते गुरु जी। कल्याण जी, आपका डिटेल बताइए। मैं दो तीन महीने से बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? टीवी का वॉल्यूम कम कर दिए, फिर आपकी परेशानी सुनेंगे। आइए, मैं कपड़े का बिजनेस कर रही हूँ जी, और वो मैं बिजनेस सफल नहीं हो पा रहा है। और क्या क्या बिजनेस है कपड़े का? क्या बनाते हैं, बेचते हैं, क्या करते हैं? साड़ी बेचते हैं। साड़ी बेचते हैं, अच्छा। किसके बारे में पूछना चाहते हैं? आपका बिजनेस है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ है अपनी, टाइम ऑफ बर्थ? नहीं नहीं, मेरा आप सीधा नाम बताइए अपना। रजनी नाम है? सुषमा। जी, तो चल नहीं रहा आपका बिजनेस अभी? नहीं नहीं, नहीं चल रहा। कितना टाइम हो गया करते हुए इस बिजनेस को? 4 मंथ हो गया, 1 मंथ तो अच्छा चला था, उसके बाद में बिल्कुल चलेगा आपका, परेशान मत हो। ये मघा नक्षत्र में आपने प्रश्न पूछा है, और आने वाले समय में आपको बता दें आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। उपाय आपको बताते हैं, छोटी कन्या को 21 तारीख को चुनरी, नारियल, माता के श्रृंगार का सामान और 108 रुपए, लाल चुन्नी, नारियल, माता के श्रृंगार का सामान, 108 रुपए और बताशे भी साथ में दे देना। बताशे ना मिले आपको तो कुछ मिष्ठान दे देना, गाय के बने पदार्थ यानी कि बर्फी दे देना, मगर वो ध्यान रखें गाय की होनी चाहिए और कोई ना। तो ये देख के देखें आपका कारोबार कपड़े का, जो साड़ियों का बताया, वो बहुत अच्छा चलेगा। गुप्त नवरात्रों की वो भडली नौमी वाला दिन होगा, यानी कि पोशाक, श्रृंगार, सजने का, शुक्र से संबंधित कोई काम करता हो, कपड़े का जो रेशम के कपड़े का काम करता हो, क्योंकि साड़ियां अक्सर रेशमी होती हैं, बनारसी आदि साड़ियां होती हैं, उसके काम करने वालों के लिए बड़ा सटीक उपाय करके देख लीजिए, आपका कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जय श्री कृष्ण। अभी ले लेते हैं यहाँ पर बहुत ही छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं भोले बाबा के दिन और गुप्त नवरात्रे में कौन से जल से, किस पदार्थ से शंकर जी पर अभिषेक कर लिया जाए तो आत्मिक शांति तो मिलती है, जीवन भी समर्थता है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आज का गुड लक। बात कर लेते हैं आपकी बाकी राशियों में गोचर की स्थिति क्या कहती है। तुला राशि से बात करते हैं, नए व्यापारिक संपर्क से उत्साह में वृद्धि होगी। भाई, कारोबार अगर बढ़िया होता है तो आदमी प्रसन्नचित होता ही है। कामकाज में बढ़ोतरी के योग इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपकी वृद्धि के योग है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, चमकीला और 78 नंबर आपका आज लक परसेंटेज आपको बहुत अच्छा कर सकता है। बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि। किसी रिश्तेदार से अनबन खत्म हो सकती है, यानी कि मेल मिलाप का आज दिन आपका बना हुआ है। माता रानी के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, 125 ग्राम मखाने का दान देना, अनबन बहुत अच्छी है, खत्म हो जाए। हम तो कहते हैं मित्रता ही रहनी चाहिए, किसी से अनबन होनी ही नहीं चाहिए। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, वो है लाल और रंग के आपके लिए 9। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि गुरु की राशि है, आज आपका मित्र और प्रतिद्वंद्वी आपसे विरोध कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको बचना होगा, धैर्य रखना होगा। मंदिर में ले जाकर पीतल की घंटी दान दे दो, माता रानी के मंदिर में देने से आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। बात कर लेते हैं अगली राशि यानी मकर राशि। अपने काम भागदौड़ के कारण आप अपने व्यक्तिगत संबंधों की अपेक्षा ना करें। बहुत ज्यादा आप बिजी हैं तो ये मत सोचें कि मेरे से कोई रिलेशन बहुत अच्छे रखे, उसको लेकर टेंशन ना करें। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, नीला अंक है आपके लिए 11। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, आज प्यार, खुशी, स्नेह आपके चारों ओर रहेगा, नए लोग भी मिल सकते हैं आपको। अच्छा, पुराने दोस्तों को साथ आप थोड़े से मौज मस्ती के लिए निकले, नए दोस्त भी बना लो। तो आज दोस्ती का दिन है, मोहब्बत का दिन है, उसका आप इजहार करो और प्यार करो। नीला रंग और 8 नंबर आपके लिए लकी है।
बात करते हैं आज की अंतिम राशि यानी मीन राशि वालों के लिए। आज अधिकारियों की डांट फटकार आपको सुननी पड़ सकती है, जरा सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है, इससे आपको बचना होगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, पीला 47 नंबर लिखकर पीले पेन से अपने पॉकेट में रख लो, डांट ही नहीं पड़ेगी, करके देख लो। अगले कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ गए हैं। दीपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कल्याण जी आपका, डिटेल बताइए। पंडित जी वो मुझे ये के बारे में पूछना था जिनका डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1967। टाइम और बताओ। रात के 12:40 12:40 AM हो गया ना फिर तो। हाँ जी, जन्म स्थान देहरादून। देहरादून हाँ जी। उनकी नौकरी नहीं है, उनकी जॉब कब तक लगेगी, कोई उपाय तो बताइए। आजकल कोई जॉब नहीं है उनकी। बिल्कुल बताते हैं आपको, एक बार अश्विनी नक्षत्र का जन्म है, मघा नक्षत्र में आपने प्रश्न पूछा, षष्ठी शुक्ल पक्ष शुक्ल योग की कुंडली देखने को मिली है, दशम भाव में गज केसरी योग तो बने हुए हैं, मगर लगन में मंगल और केतु की युक्ति देखने को मिल रही है। महाशय की बात करते हैं तो इस समय राहु की महाशय थोड़ी सी कष्ट में है। उपाय बताएं आपको, गोला लो और हवन सामग्री लो, गोले ले लो 5, हवन सामग्री लो, स्वयं हवन कर लो, घर के अंदर उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके हवन करो। गोले का किया हवन राहु की शांति, नौकरी और सोर्स ऑफ इनकम की बढ़ोतरी, कर लो इस उपाय को। या पंडित जी को बुला के कर लो, गुप्त नवरात्रि के दिन चुपचाप कर लो, कुछ किसी को बताना नहीं, किसी को बुलाना नहीं, एक बार कर लो, कहना पंडित जी गुप्त नवरात्रि के दिन है महामाई का गोले से हवन कर दो। जय श्री कृष्ण। आशा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरु जी। कल्याण जी आपका, शादी हो रही है। आपकी आवाज बहुत हमिंग होके आ रही है, रुक रुक के आ रही है, या तो आप नहीं, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। बोलते रहिए आप, देख प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं। नहीं नहीं मिल पा रही, क्षमा करें, दोबारा ट्राई कीजिए। कविता जी लाइन पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कविता जी आपका। कल्याण जी आपका, बताएं जी। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1994। समय और बताओ बच्चे। सुबह 7 बजे। कहाँ का जन्म है? लाल कुआं, जिला नैनीताल। जिला नैनीताल। अभी आप कहाँ से बोल रहे हो? जी लाल कुआं से। नैनीताल से ही? जी लाल कुआं, जिला नैनीताल। अच्छा नैनीताल। वहाँ मौसम कैसा है, बारिश है? जी बारिश हो रही है। हो रही है बारिश? ओहो हाँ बात। चलिए क्या पूछना चाहते हैं भाई के लिए? इसको गुस्सा बहुत आ रहा है, आता है और सामान तोड़फोड़ करता है, कर्जा भी करता है, बिल्कुल कहना नहीं मानता है बिल्कुल। धनु लगन की कुंडली है, यहाँ पर बता दें कि इनकी कुंडली में राहु शुक्र की युति एकादश भाव में बैठी है, और कुंडली में देखें महादशा तो चल रही है शुक्र की, अब करें क्या? ये तो बहुत अच्छा मौका मिल गया आपको। एक नारियल लो, एक पजेब लो, और आलता लो, आलता आलता मिलता बाजार में, वो जो कन्या होती है ना, उसके कन्या के पैरों पे आलता लगा दो, अगर कोई पूजन करा ले तो, कन्या छोटी कन्या 10 वर्ष से कम की हो। पजेब लो, कुछ मिठाई ले जाओ, कुछ उसकी फ्रॉक या पोशाक कहना उसको, पोशाक ले जाओ, कर लो एक बार, और ये करना अष्टमी के दिन, प्रोत्साहन हर काम में मन कर लो उपाय। चलिए अगले कॉलर है हमारे साथ, नवीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लवीश जी, लवीश जी बहुत बहुत स्वागत है। 4 अक्टूबर मेरे बेटे का है सर। जी बताएं, उनकी डिटेल बताएं। 4 अक्टूबर 1993। 4 अक्टूबर 1993। समय और बताएं। 7 बजे। सुबह 7 बजे। हाँ जी। कहाँ का जन्म है? उदयपुर राजस्थान। जी क्या जानकारी चाहते हैं? अभी इसने पढ़ाई पूरी करी है MBA, हम कौन से व्यापार में लगावे? बिल्कुल देख लेते हैं, गुरु कुंडली के लगन भाव में बैठकर अस्तु हैं, जबकि महाशय की बात करेंगे तो इस समय कुंडली में महाशय चल रही है इनकी कुंडली में। आपको बताएं कि मंगल की 15 से लेकर 22 तक देखो, ट्रेडिंग का कोई भी काम करा लो उसमें फायदा रहेगा, मार्केटिंग का काम रहेगा, ट्रेडिंग का कोई भी काम रहेगा, क्योंकि इनकी बात कर लेते हैं जो बुद्धि के स्वामी हैं वो कम से कम बहुत अच्छी जगह हैं, वो अपने ही घर में हैं,
ये याद रखे हैं, जब बुद्धि के स्वामी शनि अपनी कोठी में बैठे हो, किराया किसी को देना नहीं, टेंशन किसी की है नहीं, घर के अंदर बैठे हैं, तो फिर उन्हीं का काम कर लिया जाए, करके देखो लाभ रहेगा। जय श्री कृष्ण। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय के, हम आपको बताने वाले हैं कि आत्मिक शांति मिले कैसे। गंगा जल कच्चा दूध मिलाकर गन्ने का रस, भगवान शिव चंद्रमौली आशुतोष, भगवान शिव रुद्राभिषेक, ओम नमः शिवाय का जाप चढ़ा दी, आत्मिक शांति, धन की बढ़ोतरी, भारत के शिवलिंग पर कर लो तो प्रतिदिन करने से आपका दिन आपका जीवन मंगलमय होगा। और आज का गुडलक टिप, भाई रोगों से मुक्ति के लिए भी 101 बार मधु की बूंद शिवलिंग पर गिराना, जल अभिषेक करना, जल अभिषेक करते समय ओम ओम जोम सा करते हैं, त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमुक्तिमाम् प्राप्तम्। तो इस तरह से मंत्र का उच्चारण करते रहो, ये रोग निवारण में सहायता करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए महा उपाय गुड लक टिप के साथ, मगर आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, जय श्री कृष्ण।